अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया और लस्सी जस्ट इन 15 रुपीज, जो कैल्शियम और प्रोटीन से भरा हुआ है। तो चलिए आज मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने अमूल लस्सी का रिव्यू करते हैं अपने YouTube चैनल फूड जासूस पे, और हम देखते हैं क्या ये अमूल लस्सी बाकी के जो जूसेस हैं या फिर सोडाज हैं उससे बेटर है या नहीं। इंग्रेडिएंट में सबसे पहले टोन मिल्क दही है, यानी कि इसमें सिर्फ टोन मिल्क इस्तेमाल किया गया है सबसे ज्यादा, और ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव भी है। सेकेंड जो है वो वाटर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि लस्सी जो है वो थोड़ा सा फ्लोई टाइप का होता है और दही जो है वो थोड़ा सॉलिड होता है, तो इसके वजह से इसमें पानी मिलाया गया, क्योंकि अगर हम घर में दही से अगर हम लस्सी बनाते भी है तो हम भी तो पानी मिक्स करते ही है। इसमें जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो चीनी है, यानी कि 12 ग्राम चीनी मिलाया गया है 100 ml में, यानी कि अगर आप ये 200 का पैक पीते हैं तो 24 ग्राम चीनी आपके पेट में जाएगा, और 24 ग्राम का मतलब कि आपका एक दिन का रिक्वायरमेंट एक लस्सी पीने में निकल जाएगा। चीनी की मात्रा आई वुड से कि बहुत ही ज्यादा है। अगर इतना चीनी इस्तेमाल करने के बजाय अगर वो स्टीविया इस्तेमाल करते, जो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है प्लांट बेस्ड, जो बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है, अगर वो इस्तेमाल किया जाता तो वो ज्यादा बेटर होता रेदर देन इतना ज्यादा चीनी डालने के लिए इस प्रोडक्ट में। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है स्टेबलाइजर 440। स्टेबलाइजर 440 यानी कि पेक्टिन। पेक्टिन एक तरह का फाइबर होता है जो इस प्रोडक्ट को थिकनेस देता है और इसका जो एक सॉल्युबिलिटी है उसको बरकरार करके रखता है, क्योंकि ये फाइबर है तो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, इनफैक्ट हमारी बॉडी के लिए ये अच्छी बात है। आप ही सोचिए लस्सी में फाइबर अमेजिंग है ना, प्लस इसमें रोज फ्लेवर मिलाया गया है। अगर इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाल करके एक्चुअल में रोज पेटल्स डाला होता या फिर एक्चुअल में रोज फ्लेवर डाला होता तो इस प्रोडक्ट को और भी ज्यादा अच्छा मैं कह सकती थी। फिर भी अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बाकी अदर प्रोडक्ट से जैसे पेप्सी कोला वगैरह से तो स्टिल दिस इज बेटर देन देम। सो इसमें जो एनर्जी है 100 ग्राम में वो 79 है, और इसमें फैट भी है क्योंकि ऑफ कोर्स मिल्क में फैट होता है, ट्रांस फैट सैट फैट भी है क्योंकि मिल्क में ये नेचुरली ही पाया जाता है, बट ये जो है परमिसेबल लिमिट में है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कार्बोहाइड्रेट मैक्स टू मैक्स जो है वो हमारा 12 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है वो मेनली चीनी ही है जो यहाँ पे है, और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 2.3 ग्राम प्रोटीन आपको 100 ml में मिल रहा है, और जो अगर आप कैल्शियम की बात करते हैं तो अगर आप एक पूरा लस्सी का पैक पीते हैं तो 20% आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है, विच इज रियली इम्प्रेसिव। बाकी इस प्रोडक्ट को आप 6 महीने तक रख सकते हैं, यानी कि 180 डेज तक आप उसको, जरूरी नहीं कि आप फ्रिज में रखें, आप बाहर भी बस कूल और ड्राई प्लेस पे रख सकते हैं, जैसे ऐसे एनवायरमेंट में मैं इसे ऐसे रख सकती हूँ 180 डेज के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिना ठंडा किए हुए ये लस्सी कैसे रह सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो लस्सी है ये होमोजेनाइज हीट ट्रीटमेंट के बाद पैक किया गया है, और ये टेट्रा पैक में पैक किया गया है, और इसके अंदर कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी होने के लिए अंदर कोई ना कोई कीटाणु तो चाहिए, और हाँ इसी वजह से इसके अंदर कोई भी प्रोबायोटिक नहीं है। अगर आप लस्सी ये सोच के पी रहे हैं कि इसमें आपको हेल्दी बैक्टीरियाज मिलेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसके अंदर कोई भी हेल्दी बैक्टीरिया नहीं है। अगर इसके अंदर कोई हेल्दी बैक्टीरिया होता तो ये इतने दिन तक प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता था। लास्ट में मैं यही कंक्लूड करूंगी कि अमूल लस्सी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया है, प्लस इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी है, यानी कि इसमें कैल्शियम प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट भी हैं। ये एम्प्टी कैलोरीज इसको नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसमें बस कैलोरीज नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इसमें कैल्शियम और प्रोटीन भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें मिल्क मिलाया गया है तो मिल्क में जितने बेनिफिट्स हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। तो एनी डे दिस इज बेटर देन एनी सोडा, जैसे कि अगर आप पेप्सी ले रहे हैं, कोक ले रहे हैं, या फिर रियल का जूस ले रहे हैं, या मिरिंडा ले रहे हैं, या फिर आप पल्पी ऑरेंज ले रहे हैं, उन सब में से ही सबसे बेस्ट आपको अमूल ही रहेगा। इनफैक्ट अगर प्राइस भी कंपेयर करेंगे तो उन सोडा के प्राइस के कंपैरिजन में भी इसका प्राइस कम है। इफ योर चाइल्ड डिमांड्स कि अगर उनको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट पीना है तो उसे आप ये लस्सी ही ऑफर करें, क्योंकि यही उनके लिए बेस्ट होगा। तो ये था अमूल लस्सी का रिव्यू। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रहे कि उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट हेल्दी और कौन सा अनहेल्दी। आप फूड जासूस को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मुझे आप पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं foodjasus.meera.link पे। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक नए फूड प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड ऑन फूड जासूस।